सीवान जिले के मरह में टीचर ट्रेनिंग स्कूल परिसर में सोमवार को जिला क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लीग मैच के आयोजन का उद्घाटन किया गया। लीग मैच का उद्घाटन बबलू क्रिकेट एकेडमी सीवान और फरहान क्रिकेट एकेडमी के बीच खेला गया, जिसका जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय तिवारी और सचिन नंदन कुमार ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सभी मैच अनुभव क्रिकेट एकेडमी मरवे के द्वारा संचालित की जाएंगी। ये क्रिकेट मैच हो रहा है, इसका क्या प्रायोजन है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, हम लोग जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तहत ही लीग मैच हो रहा है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि गांव देहात से जो भी बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाना है, ताकि वो अच्छा करें तो हम फिर उनको स्टेट में भेजें, जाके जिला का नाम रोशन करें। तो मेन फोकस हम लोगों का है कि गाँव देहात में जो क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, उनको आगे लाने का। क्या रूटीन है, मतलब किन किन मैच कहाँ कहाँ ही खेले जा रहे हैं? देखिए, सिवान राजेंद्र स्टेडियम में हो रहा है, मैरवा में है, और कुछ मैच बढ़रिया गुड़िया कोठी में है। चारों जगह हम लोग दिए हुए हैं और हर ग्राउंड में चार चार पांच पांच मैच है। 20 तक चलेगा, 20 के बाद हम लोग फाइनल सेमीफाइनल का डेट बाद में अनाउंसमेंट होगा। डिस्ट्रिक्ट जो क्रिकेट एसोसिएशन का जो ये लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छे बच्चों को चुन के ग्रेडिएट, क्या फ़ायदा होगा यहाँ के क्षेत्रीय जो सिवान डिस्ट्रिक्ट? फ़ायदा होगा कि बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, बच्चों का उनको जो मेरिट है उस मेरिट के अनुसार उनको जगह मिले, यही हम लोगों का प्रयास है। परिचय बता दीजिए। अजय तिवारी, प्रेसिडेंट DCA सिवान। है कि हम लोग जिला के हर कोने से अच्छा टैलेंट ढूंढने का काम करने चाहते हैं इस टूर्नामेंट के जरिए, और हर जगह टैलेंट छुपा हुआ है, हर गांव में छुपा हुआ है, तो उसको हम लोग चाहते हैं कि वो सामने आए। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का ये नया पहल है, तो इसे क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, पहला चीज़ आपको हम करेक्शन करेंगे कि ये पहल नहीं है, ये ट्रेंड चलता आया है। बीच में कोविड के वजह से रुका हुआ था, बट उसको अब हम लोग ने फिर से स्टार्ट किया है कि हम लोग सीमान एक अच्छा टीम हमेशा बनता है और स्ट्रॉन्ग टीम बने, इसके लिए ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग कराना अति आवश्यक है। ये मैरवा में पहली बार देखा जा रहा है, इसका ये अर्थ है? देखिए, आपके यहाँ मैरवा में काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, और अच्छे प्लेयर जहाँ होंगे अच्छे ग्राउंड मिलना संभव हो जाएगा, तो ये चीज़ मैरवा धाम में कराया गया। अनुभव क्रिकेट एकेडमी की तरफ से मुझे बताया गया कि ये ग्राउंड अच्छा है, हमने भी इसको मॉनिटरिंग किया, उसके बाद हमें दिखा कि यहाँ मैच कराया जा सकता है। मैच होने से यहाँ के लोकल लड़कों को एक फ़ायदा मिलेगा कि एक्सपीरियंस होगा, देखने के बाद समझ में आएगा कि किस तरह से मैच खेला जाता है, डेवलप किया जाता है, इनिंग बिल्ड की जाती है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्ट ले सकते हैं बच्चे। कब तक चलेगा ये? अभी तो फिलहाल 4 मैचों का वेन्यू मैरवा धाम को दिया गया है, और 2-3 मैच संभवतः यहाँ होंगे, टोटल 7-8 मैच यहाँ कराने हैं। एक बार परिचय बताइए। सचिव जिला क्रिकेट संघ नंदन कुमार सिंह। धाम पर मैच हो रहा है, क्या इस मैच का क्या प्रारूप है? ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बैनर देख रहे हैं आप पीछे, ये डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन लीग करा रहा है, जिससे टैलेंट बाहर निकल के आएगा और जिससे पता चलेगा कि क्रिकेट कितना डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक तरह से ये यंगस्टर जितने भी लड़के हैं उनके लिए एक अच्छा खबर है। सीवान के जो स्थानीय लड़के हैं उनको कितना फ़ायदा होगा इससे? क्रिकेट से तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, इससे क्या होगा कि भाई जितने नए लड़के हैं या जो गांव के स्तर के जो लड़के हैं जिनको पता नहीं आता है कि भाई बाहर राष्ट्रीय टीम में या राज्य लेवल टीम में कैसे जाएँ, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने ये जो बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है नए लड़कों के लिए, वो इसी के लिए मैच हो रहा है। क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ से ये मैच हो रहा है? आज मैच जो है बबलू क्रिकेट एकेडमी सीवान और फरहान क्रिकेट एकेडमी के बीच लीग मैच हो रहा है, और ये वेन्यू 3 जगह ऐसा गया हुआ है, गोरिया कोटी, राजेंद्र स्टेडियम सीवान, और यहाँ मैरवा DL.ED कॉलेज ग्राउंड में। कब तक ये चलेगा मैच? ये 11 तारीख तक ये लीग मैच है। इसके बाद से जैसे मैं यहाँ से जो लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए क्या या इन लोग नए बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, जो यहाँ परफॉर्म करेगा वो डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट के लिए जाएगा, तो एक अच्छा मौका है सारे क्रिकेटरों के लिए।
आज की डेट में देखा जा रहा है कि जो खास करके जो युवा वर्ग के जो लड़के हैं खेल के क्षेत्र से अपना कदम पीछे की तरफ उठा रहे हैं, तो उन जैसे युवाओं से क्या कुछ अपील करिएगा आप? मैं तो ये कहूँगा हमेशा अच्छी मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, और क्या गलत क्या सही है इसके बारे में जाने, और ये जो क्रिकेट लीग अभी हो रहा है ऐसे आगे पार्टिसिपेट करें, अपने हुनर को सबके सामने दिखाएं। परिचय बता दीजिए। अब मैं अनुभव श्रीवास्तव, ये मेरी खुद की अपनी एकेडमी है, मेरा यहाँ अपना एकेडमी है, और ये सारे मेरे एकेडमी के बच्चे हैं जो आप देख रहे हैं, और इनका बहुत योगदान है इस यहाँ पे जो वैन मिला है, ये सुबह से लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं मैरवा धाम के, कितना सपोर्ट मिलता है आपको? यहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले भी आपको पता है कि फुटबॉल को लेकर बहुत कुछ क्रेज़ रहा है मैरवा का, पूरे बिहार में पूरे भारत में अच्छा नाम रहा है। तो मैं सब श्रेय यहाँ के सभी स्थानीय लोगों को देना चाहता हूँ, क्योंकि क्रिकेट को देख के बहुत खुश होते हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं यहाँ के जो भी स्थानीय लोग।